are watching BNS News. आज की हेडलाइन, सोलाना ने को फाउंडर सपोर्ट करते हैं फेयर मीम लॉन्च। कॉन्फ्लक्स एंड चाइना टेलीकॉम ने ब्लॉकचेन सिम कार्ड के साथ पहली बार ऑनचेन इंट्रैक्शन शुरू किया। मेजर क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने शिबाइनु के बोन एंड बेबी डोज को लिस्ट किया। बिटकॉइन अर्जेंटीना के लाइटनिंग नेटवर्क कोर्स का इंट्रोडक्शन शुरू किया। इराकी डाइनर के बॉलस्टर यूज के लिए इराक ने यूएस डॉलर्स के ट्रांजेक्शन पर बैन जारी किया। 23,000 BTC को कॉइनबेस से कोल्ड वॉलेट के बिटकॉइन के रूप में ट्रांसफर किया गया। EU काउंसिल के क्लियर क्रिप्टो रेगुलेशंस ने मिका को परमिशन दी। जैसे ही लीडो की विड्रॉल शुरू हुई, STETH के सेल्सियस 781 मिलियन डॉलर्स बढ़ गया। पिछले वीक में थ्री वेव्स द्वारा लगभग 1.95 मिलियन LDO डिपॉजिट किए गए। इंस्टीट्यूशनल विड्रॉल्स द्वारा मोटिवेटेड 2022 में क्रिप्टो बैंक चलता है। लेयर 1 ब्लॉकचेन कावा का टोकन मेननेट अपग्रेड में 40% आगे बढ़ा। बाइनेंस ने ट्रेडिंग बॉट लॉन्च किया ऑटोमेशंस में शिफ्ट। याकोवेंको के ट्वीट्स ने इस टॉपिक्स पर डिस्कशन की कि कैसे लेजिस्लेटिव एंड फ्रॉडलेंट मीम कॉइन्स के बीच डिफरेंशिएट किया जाएगा। पोटेंशियली डिसेक्टिव कॉइन्स को छांटने के बारे में एक क्वेश्चन आंसर्स में उन्होंने एक्टिव यूजर्स की पहचान करने और बिना किसी प्रमाइंड के कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए स्पेसिफिक एस्टिमेट्स का यूज करके अनबायस लिस्ट बनाने का प्रस्ताव दिया। याकोवेंको ने सुझाव दिया कि रिसर्चर्स का एक ग्रुप कॉइन लॉन्च के लिए यूज करने के लिए किसी भी लिस्ट का एनालाइज एंड पब्लिश कर सकता है। कॉन्फ्लक्स नेटवर्क चाइना में चाइना टेलीकॉम द फर्स्ट रेगुलेटरी कंप्लायंट पब्लिक ब्लॉकचेन एंड ग्लोबल कम्युनिकेशंस नेटवर्क में आज शंघाई ने जुहुई डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बैंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर में जॉइंटली इन्वॉल्व ब्लॉकचेन सिम कार्ड का अनवील किया। टर्मेक्स, एक पॉपुलर डिजिटल एसेट एक्सचेंज, ने अपने प्लेटफॉर्म पर 2 टोकन्स की लिस्टिंग की घोषणा की है। बोन शिबा स्वैप एंड बेबी डोज कॉइन 16 मई 2023 को 8 UTC पर प्लेटफॉर्म के यूजर ट्रेडिंग की प्रिपरेशंस के लिए इन टोकन को डिपॉजिट कर सकते हैं। बिटकॉइन मैगजीन को भेजी गई एक प्रेस रिलीज के अनुसार सिलेबस का पर्पस बिटकॉइन नेटवर्क में टॉप पर चलने वाले लेयर 2 सॉल्यूशंस के ऑपरेशंस एंड डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटीज पर पार्टिसिपेंट्स को एजुकेट करना है। इराक की गवर्नमेंट ने 14 मई को बिजनेस ट्रांजैक्शंस करने के लिए यूएस डॉलर के यूज पर बैन जारी किया। बैन जो सबसे पहले ही इफेक्टिव है, इराकी दायना देश के फियाट करेंसी के यूजेस को बढ़ाने और कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। डॉलर का इफेक्टिव और ब्लैक मार्केट में इसका एक्सप्लॉयटेशन, जैसा कि पॉपुलर क्रिप्टोकरेंसी ट्रैकिंग सर्विस वेल अलर्ट द्वारा रिपोर्ट किया गया है, 15 घंटे से थोड़ा अधिक समय पहले बिटकॉइन के 2 बड़े शेयर्स मेजर्स यूएस क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस ने एनोनिमस वॉलेट में ट्रांसफर हो गए। यूरोपियन यूनियन काउंसिल ने मेंबर्स ने 16 मई को एक वोटिंग प्रोसेस के बाद क्रिप्टो एसेट्स लॉ में मच अवेटेड मार्केट्स पर लास्ट ग्रीन लाइट दी है। 15 मई को लीडो स्टेक वाले इथेरियम वॉलेट में 4,28,015 STETH के लिए सेल्सियस वॉलेट पर ट्रांजैक्शंस की पहचान की गई थी। ट्रांसफर के टाइम ह्यूज अमाउंट 781 मिलियन डॉलर्स थी, जो कुछ लोगों का मानना है कि विड्रॉल की तैयारी में है।